क्यों करें। तो चूंकि उनके संग मिलकर अगर ये काम करना है तो उन आदिवासियों की जो समस्या है उनके ऊपर भी काम तो करना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर वाटरशेड डेवलपमेंट का और कई तरीके का काम वो भी रहता है। और इन सब कामों के साथ में हमारे संघ में ये क्राइम झेले हुए जो बच्चे स्पेशली लड़कियाँ वो भी होती हैं, तो उनका इलाज करना और वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। और ज्यादातर हम ये जो इको टूरिज्म की बात है तो वहाँ हम ये स्पिरिचुअल वाला एक एंगल जोड़ते हैं, फिर जो नेचुरल जो मेडिकल हीलिंग सिस्टम है उसको उसमें जोड़ने का काम करते हैं। फिलहाल ये सब है। बाकी जो चूँकि एक साइंटिस्ट के रूप में है तो हम ये टेक्नोलॉजी जो आज की है उसमें हमारा वेदों का जो विज्ञान है वो कितना एक्चुअली ज्यादा प्रभावी रहा है। तो चूंकि वो सब कुछ संस्कृत में कोड है तो उसको समझ के हम बच्चों में वो जाने देना चाहते हैं कि ये बोलना कि विमान सबसे पहले उन ब्रदर्स ने ढूंढा था, लेकिन उससे पहले विमान तो हमारी संस्कृति या हमारे वेदों में से उसके विज्ञान से निकली देन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी दूसरे देश के नाम है लेकिन वो हमारे वेदों के विज्ञान में अगर आप उसको डीकोड करते हैं तो वो यहीं से मिलेगा। तो बेसिकली आयुर्वेद और उससे जुड़ा जो ठोस विज्ञान है वो हम वापस कैसे लाएं, तो ये सब मेरे काम में जुड़ा हुआ है। गोविंद सूत्रा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। लिनन कार्बाइड के जॉब के बाद से मैंने कुछ बार रियल एस्टेट का काम किया और उसके बाद फिर कुछ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। मेरे गुजरे हुए योगानंद जी, 3 साल पहले हमको ने हेल्थ एक मूवमेंट दिया था कि पूरा देश बीमारी की राजधानी बन गया तो क्या करना था, तो निरोग भारत अभियान का एक मूवमेंट इनिशिएट किया था। देश में घूमने से मुझे बहुत सारे अनुभव इस टाइप के मिले कि हमारे पास में चिकित्सा पद्धतियाँ जो एलोपैथी कितनी हाईली टेक्निकल होगी उससे तो बड़ी बड़ी चिकित्सा पद्धति और डॉक्टर लोग जो काम कर रहे हैं आहार औषधि है लंदन पर जिसको विज्ञान दिमाग। तो फिर इसी बीच में कोरोना काल आ गया, तभी हम लोगों ने गुरुदेव को सामने रखते थे, योगानंद जी ने इंस्ट्रक्ट दिए थे, स्वास्थ्य का सिद्धांत उन्हीं का दिया हुआ, तो हमने कहा संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति को मूवमेंट का दिया, निरोग भारत अभियान एक मूवमेंट के रूप में रहेगा। व्यवस्था के लिए हमने संभव व्यवसाय क्रांति कॉन्सेप्ट लिया हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम वर्किंग मॉडल में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो व्यवस्था बदलना है। जो राजनीति ब्यूरोक्रेसी कॉर्पोरेट और मीडिया का गणतंत्र है ये जब तक नहीं टूटेगा, वैल्यू बेस्ड सिस्टम नहीं आएगा तब तक भारत विश्व में बनने की कल्पना हमारी। मैं मैथिली शरण गुप्त, आईपीएस ऑफिसर 84 बैच का, भोपाल शहर का मैं एडिशनल एसपी रहा हूँ, एसपी भी रहा हूँ, डीआईजी भी रहा और डेप्टेशन पे आईटीबीपी में रहा हूँ। आई वाज द डीआईजी गढ़वाल देहरादून एंड आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। लौटकर मैं आईजी एसटीएफ था, उस समय आईजी एसटीएफ वाज द इंटीग्रेटेड स्पेशलाइज्ड फोर्स कमांडर। तो जो एसटीएफ है स्पेशलाइज्ड क्राइम है, एटीएस है, सीटीजी है, नक्सल्स क्राइम है, और सबको जो है ना रोकने का इंटीग्रेटेड कमांडर उस समय मुझे बनाया गया। और इसके बाद में मेरा प्रमोशन 10 महीने में ही हो गया, तो आई बिकेम एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन। लगभग 1 साल रहा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ ईजाद की, यदि शायद वो सिस्टम में पैदा हो गई होती तो पुरुष विभाग कुछ दूसरा होता। एनीवे वो ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद मैं ट्रांसफर होके मैं एडिशनल डीजी रेलवे मध्य प्रदेश बना, फिर डीजी रेलवे मध्य प्रदेश बना। इसके बाद मेरा ट्रांसफर पे आई बिकेम द डीजी होम गार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी लाई कि इस देश को हम डिजास्टर रेजिलियंट कैसे बनाएं। और इसके ढेर सारे प्रेजेंटेशन हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए। और अब बहुत सारे जो डेवलपमेंट इसके बाद हुए वो कहीं ना कहीं जो हमने फिलोसफी उनको दी है उसके अराउंड ही बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। देन मैं आई बिकेम द डीजी पुलिस रिफॉर्म, और उस समय हमने क्राइम फ्री भारत का एक इबादत लिखी और वो प्रपोजल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। तो आज की डेट में हमारे 2 नेशनल पुलिस मिशन लागू हैं जिसका मैं प्रोजेक्ट लीडर, रिटायरमेंट के बाद भी आई एम द प्रोजेक्ट लीडर। No, I am not on duty. It is as a retired officer, I am contributing as a project leader. So, 2 project hai. Ek hai automated system for detection and prevention and detection of crime in railways. That is through the CRP help app and other associated initiative.
और दूसरा है क्राइम फ्री भारत विद फाइव स्ट्रेटेजीज एंड फाइव रेवेन्यू स्ट्रीम, जिसमें एक स्ट्रेटेजी है कि आपके बिना थाने जाए एफआईआर लिख जाए, दूसरी स्ट्रेटेजी है कि सबसे नालायक टाइप का पुलिस ऑफिसर भी आपके सभी ऑफेंसेस को डिटेक्ट कर दे, फिर उसकी तीसरी स्ट्रेटेजी है कि जुडिशरी की इस तरीके से मदद की जाए कि 15 दिन में कन्विक्शन हो जाए आपका, फिर चौथी स्ट्रेटेजी है कि अपराध को रोका जाए एंड भारतवर्ष में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा, इट विल बी एवरेशन। तो यदि वो अपराध होगा तो वो प्रॉम्प्टली रजिस्टर भी होगा, इन्वेस्टिगेट भी होगा और 15 दिन में उसका प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगा, तो जो वर्तमान क्राइम करने के कारण जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव विलोपित हो जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि जब आपको इतना सब कुछ मालूम है कि आप क्राइम को प्रिवेंट करने की स्थिति में है, यू नो कि क्रिमिनल के पास टी शर्ट कौन सी है, कब कौन सी पहनता है, कैसा चलता है, कैसा झुकता है, कैसे मुस्कुराता है, और वो भी 360 डिग्री में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो उस अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने देना चाहते हैं? तो उसके लिए जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल क्रिमिनल ही नहीं रहेगा, दैट इज द हाउ द फाइव स्ट्रेटेजी वुड बी वर्किंग फॉर क्राइम फ्री भारत। इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी पावरफुल है कि सरकार के लिए इतना रेवेन्यू क्रिएट करेंगे कि टैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम सेइंग कि टैक्सेशन 30% से 20% पे लाओ, फिर 10% पे लाओ, फिर 5% पे लाओ, फिर 2% पे लाओ, 1% बना रखा जाए क्योंकि वो अकाउंटिंग पर्पज के लिए है, राइट। बट टैक्सेशन आपको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी। इंडिया विल बिकम द टैक्सेशन फ्री इकोनॉमी। मैं शॉर्ट में अपनी बात करके फिर आपको, क्योंकि तो आपने एक मॉडल दिया है अबंडेंस मॉडल, उस मॉडल पे हमें भी जानने की इच्छा है कि अल्टीमेटली उससे हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हो, आर्थिक समस्याएं कम से कम हमारी, बिना को बहुत समस्याएं होती है कि सेवा करती हो स्पर्श के सेवाएं के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हम अपनी बात में हमने संपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति का विषय लिया, विश्व गुरु भारत फाउंडेशन ट्रस्ट एक गठित करने की प्रक्रिया जो इस वीक में गठित हो जाएगा, और उसमें हमने ट्रस्टीशिप के लिए ऐसे लोगों को दिया जो पूर्ण रूप से समर्पित होकर देश के लिए कुछ करने वाले हैं, क्योंकि विश्व गुरु को हमने एक विचार के रूप में रखा है। विश्व गुरु भारत मतलब विश्व, भारत जो है विश्व क्या है जो निरंतर विशुद्धिकरण को हो रहा है, भारत क्या है जो प्रतिभा में रथ, प्रतिभा भारत मतलब प्रतिभा में रथ जो है, हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने अंदर के अनुसंधान के माध्यम से भारत को एक वसुदेव कुटुंब या सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामय की व्यक्ति है। तो भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत एक जो है जो मेरे गुरुदेव ने कहा कि पश्चिमी भाइयों ने भौतिक शक्ति से मेरी धरा को जीत लिया, फूको फूको उसके सभी शंकों को, भारत प्रेम को लेकर आक्रमण करता उनकी आत्मा को भी, उसी समय वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ भारत की सीमाओं को विस्तारित होते पूरी धरती को घेरते, भारत की सीमा विस्तारित तो धरती कैसे हो, उसी के दिशा में हमें काम करना है। तो हमारी प्रगति का संरक्षण, प्रगति और पुरुष का जो संबंध हम कहते हैं कि भारत, उसी दिशा में हमने स्वास्थ्य क्रांति को विषय दिया। तो स्वास्थ्य क्रांति का वर्किंग मॉडल कैसे बने, क्योंकि अल्टीमेटली स्वास्थ्य क्रांति कहना तो आसान है, सारी चिकित्सा पद्धतियों का बेसिक तो ये है कि रोग से इलाज हो और प्रिवेंशन, फिर हम मूल विषय पे आ जाएं कि आहार ही औषधि है लंघनम परम औषधि, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस दिशा में हम कैसे जागरूक हों। तो जागरूकता का विषय जो जनता का विषय है, हमने कहा मोदी जी ने 4 सूत्र दिए हुए, सबका साथ सबका विकास, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मन की बात में भारत की बहुत सारी गौरव सारी परंपरा की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत, तो हमने कहा ये करेंगे ही नहीं करेंगे, हमें करना है, तो ये 4 सूत्र तो अच्छे हैं, अब ये नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मैदान में आ जाएं ताकि ये व्यवस्था ही बदल जाए कि भैया इन सूत्रों का ही तो विकास होने वाला है भारत का। उस दिशा में हमने मॉडल बनाने की कोशिश की, तो एक स्वास्थ्य रथ है आरोग्य मित्र आपके द्वार के रूप, जागरूकता का मॉडल है, जागरूकता के साथ में देने का भी है। उसी ढंग से जो है चिकित्सा पद्धति के अंदर हम स्वास्थ्य की किट तैयार कर रहे हैं, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की जो है प्रिवेंटिव किट्स रहेगी स्वास्थ्य, ताकि आप जो डॉक्टर के पास जाने के पहले स्वास्थ्य मित्र से बात करें। तीसरा उसके अंदर है मोहल्ले को एक यूनिट बना के निरोग भारत अभियान की कल्पना की, एक मोहल्ला एक परिवार की तरह विकास होगा, तो सारे विकास के काम अगर हम अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्या हो गया, सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं, सरकार के अंतर्गत हम सब काम कर रहे हैं, तो हम अभी आज की तारीख में इंडिपेंडेंट नहीं। चौथा हमने सोचा कि भाई हमारी सारी एनर्जी जो का जो सोर्स है, हमने टेक्नोलॉजी भारत ने जो विदेशों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना सब कुछ किया, तो हम टेक्नोलॉजी के क्लोन बन गए हैं, हमारा बेसिक विकास रुक गया है,
तो हमने एक विचार ये किया कि हमारे जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को जो है स्वास्थ्य क्रांति की बात करेंगे तो उनकी लाइफ सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, उनकी लाइफ अगर कॉम्प्रोमाइज है तो हम उनके लिए क्या करें। तो हमने सेवा श्रम का एक कॉन्सेप्ट किया, शहर से दूर हटके हम सेवा श्रम का स्थापना करें जहाँ उनको चलते फिरते भगवान के पास जाने की जो कल्पना होती है तो भगवान से क्या करें, भगवान हमारे सुखाने जीवनम किसी को देना नहीं पड़े, वृद्धावस्था चिंतावस्था विमुक्त सदा तो स्मरण दे ही हम, तो हम उस दिशा में जाने के लिए हमारे अंगों ज्ञान को हम लोकार्पित करें उस मॉडल के अंदर ले जाना चाहते हैं कि जहाँ हम हमें शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, शुद्ध व्यवस्था और मन के शांति सारी चीजें और हमारे जीवन का उत्तराध जो है वो उस दिशा में जा सके, तो हमने परिकल्पना की उसके लिए जमीन वगैरह के लिए काम शुरू किया है। तो ये एक बेसिक कल्पना है, इसके बाद फिर हमें एक बिजनेस मॉडल के बारे में सोचा कि हर जगह व्यक्ति जो रेवेन्यू की बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल के लिए हमने चिंतन किया कि समग्र व्यवसाय क्रांति एक मॉडल बनाया है भैया, पैसा आपके पास आता कहाँ से, ना आप लेके आए थे ना लेके जाने वाले, तो यही आप यूज करते हो। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था अल्टीमेटली वही लागू होता है कि आप पैसा तो आप जनरेट करोगे क्योंकि आपकी लाइवलीहुड की जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी है, और आप जो लेके जाने वाले हो तो फिर आप छोड़ के जाने वाले हो तो फिर आप उसका क्या बेस्ट यूज करोगे अपनी विकास यात्रा के लिए। उस दिशा में हमने जो है समग्र व्यवसाय क्रांति के दसवां पहले प्रभु को अर्पित कर बरतना सीखो, ईश्वर हमें देता है सब कुछ हमें कुछ देना सीखो, उस मॉडल के ऊपर हमने बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट किया। और डेवलप हो जाएगा हमारी वर्किंग के डे वो पाँच ही दिन वर्किंग होगा, पर पाँच ही दिन जो भी वर्किंग हुआ एज ए पार्टिसिपेंट वर्कर है पूरी जिम्मेदारी के साथ में, छठे दिन वो समाज की सेवा के लिए एक दिन उपलब्ध करेगा। सेवा के लिए जब उपलब्ध करेंगे और कोई वर्किंग हुआ तो हमारे उस सेवा से हम इतना जनरेट करेंगे कि लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आए। अभी तो क्या हो गया कि सरकार को सब करना है, हमें कुछ करना नहीं है, और सरकार जो है अपने ढंग से करना चाहती है। सातवां दिन हमने आध्यात्म, क्योंकि ये हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने जब प्रेम की शक्ति से भारत को विश्व बनने की कल्पना की, प्रेम की शक्ति का स्रोत क्या है, मातृशक्ति। जब तक मातृशक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा तो जननी के रूप में अपने रोल को नहीं समझ पाएगी, तब तक कैसे हम उम्मीद करें कि ऋषि संतानें आएगी और भारत में विश्व बने। यहाँ हमें उसको जो है देवी स्वरूप दिया गया है, तो जब उसको देवी का स्वरूप दिया तो उसको कैसे जागृत करें, तो ये परिवेश और वातावरण बनने की बात है। फिर सारी चीजें हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, जो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने विचार क्रांति अभियान दिया, तो हमने इसी दिशा में रखते हुए हर व्यक्ति के पास अपनी लाइफ के अंदर आपके पास क्या, हर व्यक्ति का जीवन उसका संदेश है। तो हम लोग जो भी है हम उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली हमारे इधर उठती है, क्योंकि कोई चीज़ गलत हो गई है तो सही करने के लिए आप क्या योगदान करते हैं, तो हमारा उतना ही रोल है। हम उंगली उठाई, हमने एनालाइज किया, हमने अपने रोल के ऊपर अपना काम शुरू करना शुरू किया, तो हो सकता है ये सब संदेश रखती है हम आपस में जुड़ते जाएंगे और इस मूवमेंट को इस दिशा में मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट भी मिला है। पूरे देश में हेल्थ के सेक्टर में स्वास्थ्य सेक्टर में सैकड़ों डॉक्टर इस समय है, बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अब वो इंटीग्रेट कैसे हो, आज बी ए में अगड़े 85 साल की उम्र में सारी एलोपैथी के डॉक्टर की फारा हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्योंकि है क्या वहाँ एलोपैथी के पास, हम उसकी दिशा में कैसे आगे बढ़े वो हमारी सोच है। उस सोच में हम जो भी कुछ कर सकेंगे, ये आप सब लोग आए हुए हैं, ये हम जो है यहाँ से जाने के पहले अपने योगदान के बारे में, अपने जीवन के परिचय के बारे में, अपने जीवन से संदेश देने के बारे में एक जरूर आप जो हमारे मनीष राजदेव जी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन से संदेश देना, आप अपने जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके अनुभव क्या है, इसको कैसे लोकार्पित करेंगे, इस दिशा में हम करेंगे। हमारे पास में बहुत बड़ी शक्ति हो चुकी है, क्योंकि हम 50 साल पहले हम इंजीनियर बने हैं, इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे पास में सीनियर सिटीजन के रूप में लाखों लोग हैं। अभी हम ये 16 नवंबर को GST आएगा 71 बेस का 50 साल होने के ऊपर जो है वो एक गैदरिंग कर रहे हैं, मुझे बुलाया उसमें 72 बेस का, उन्होंने ऐसे स्पेशल इन्वाइट किया मुझे, तो मैं तो वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अभी अब तक हमने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। तो आपको करने के लिए आपके पोते नातियों के लिए क्या योजना है आपके पास, कौन सा भारत देके जाओगे, जल बचा के जाओगे कि नहीं, जंगल बचा के जाओगे कि नहीं, पर्यावरण सुरक्षित करके जाओगे कि नहीं, या क्या उनको जो है एलोपैथी चिकित्सा के जिसको सीख आती है तो डॉक्टर के पास जाने वाली उस व्यवस्था का हिस्सा बना के जाओ। हम उस योगदान की दिशा में अपना रचनात्मक योगदान जा रहे हैं, और जो कुछ भी है बिजनेस मॉडल में इसलिए आए हैं कि रिवेन्यू के बगैर कोई काम नहीं होता। तो हमने रिवेन्यू का मेरा क्षेत्र था रियल इस्टेट, मैंने उस क्षेत्र को वापस देखा कि हम इसको दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पूरे जीवन भर आदमी काम करता है तो क्या करता है, शादी में खर्च कर दे और मकान में खर्च कर दे, रोटी कपड़ा मकान के अंदर अंतिम जाकर जो है उसके सारे इन्वेस्टमेंट का वेस्ट हुआ होता है।
उस बेस को हम जो है कैसे अपने हाथ में ला रहे हैं और वहाँ से हम अपनी सीटों को कैसा खड़ा करें। तो हमने अभी रियल इस्टेट का काम वापस इनिशिएट किया है और इस पर्पज़ के लिए इनिशिएट किया है कि हमारे जो काम है वो किसी जमीन की वजह से नहीं होती, किसी और दूसरे से मिलते रेवेन्यू हमारे पास आता रहा और हम लोगों को जोड़ के समझा सकते। तो ये तो जाओगे तो आपको जिसके ऊपर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं फॉरेस्ट के हमारे पास बहुत सारे लोग आने वाले समय में बड़ी बड़ी वर्कशॉप होगी, पूरे देश के लोग जुड़ेंगे। करते हैं उंगली ऐसे तो तीन हमारी तरफ है। हम कहते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करें तो हमें देखना पड़ेगा कि हम बाहर से प्लास्टिक की थैलियों में सामान कितना हम खुद ला रहे हैं।
दूसरी चीज कि हर चीज के लिए हम कहते हैं प्रशासन और सरकार, तो कोसने के लिए तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करने के लिए 10 पड़ोसी इकट्ठे नहीं होते अपने मोहल्ले की सफाई के लिए। और म्यूनिसिपल सफाई वाले आएंगे उनको गाली देने के लिए, सारे लोग घर के बाहर आके खूब गालियां देंगे। तो उसी तरह से जैसे कोविड काल के दौरान भी ऐसे ही हुआ था कि लोगों ने सरकारों के खिलाफ पॉलिटिकल अपने जो भी इंटरेस्ट से उनको लेकर के, कोई इसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है। और अगर आप ये देखें कि अंदर अंदर व्यवस्थाओं में सब एक थे, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम होता है वो सार्वजनिक नहीं होता है, और अंदर का सिस्टम जब सार्वजनिक नहीं होता है तो आम जन को बहुत सारी चीजें मालूम नहीं पड़ती हैं कि एक राज्य का पुलिस तंत्र दूसरे राज्य के पुलिस तंत्र के साथ कैसे काम करता है, इन रेस्पेक्टिव उन दोनों की राज्य सरकारें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की हो। तो उसी तरह से जैसे आप किसी भी उसमें देखें सेक्टर में या गवर्नमेंट के सिस्टम, अब रही पब्लिक सिस्टम की बात, तो पब्लिक सिस्टम के अंदर जितने मुखर हम या दूसरों को उपदेश देने में होते हैं, उतने मुखर हम खुद के आचरण में नहीं होते। जो गोविंद सर ने जो बताया कि राजस्थान में जब कोरोना काल में पहले साल में लॉकडाउन के दौरान लगे रहे कि भाई हर्बल मेडिसिन हमारा सिस्टम जो है, आयुर्वेद सिस्टम जो है वो बहुत रिच है, जिसमें वायरल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों के औषधियों के बारे में भरपूर ज्ञान है, तो उनको खोज है, क्योंकि अंग्रेजी दवा विधि के अंदर कोविड का चिकित्सा नहीं थी। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना और गलतियों पे गलतियां करते जाना। लेकिन उसके बाद दूसरा लॉकडाउन भी जब आया, जब संसाधनों का भी टोटा पड़ गया, अर्थव्यवस्था चरमरा आ गई, तब भी जो लोग जानकार थे वो कोशिश करते रहे। और उसी का एक एग्जांपल है कि राजस्थान में हमारे एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर जो आज राजस्थान वन विभाग के मुखिया हैं, दीप नारायण पांडे, जो आयुर्वेद के भी मूलधन्य विद्वान है, वो सरकार के साथ फिर लगे हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, कुछ अंग्रेजी की दवाइयों की तरह आयुर्वेद, उन्हें दें और लोगों को निरोग बनाने की कोशिश करें। और फिर राज्य सरकार को थोड़ा सा चेत आया और उन्होंने उसे समझा, तो घर घर औषधीय योजना, जिसके अंदर तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, ये चार वनस्पतियों का वितरण राजस्थान के 1.5 करोड़ से ज्यादा जो हाउस होल्ड है, सभी परिवार है सेंसस रिकॉर्ड के अनुसार, उन प्रत्येक परिवार यानी गांव का भी परिवार जो सेंसस में काउंटेड है, उन प्रत्येक 1.5 करोड़, 1,50,20,000 से ऊपर परिवार है, उनमें प्रत्येक परिवार को 5 साल की पीरियड के अंदर तुलसी के 6 पौधे, अश्वगंधा के 6 पौधे, कालमेघ के 6 पौधे और गिलोय के 6 पौधे दिए जा रहे हैं। तो पहले साल में आधे परिवारों को, दूसरे में बचे आधे परिवारों को, तीसरे में पहले साल वालों को, चौथे में दूसरे साल वालों को बचे हुए, पांचवे में कुल मिलाकर के और बचे हुए, ऐसे इनको ये पौधे दिए जा रहे हैं। कहाँ? घर पर पहुंचा करके, इनको ले लो, इनको ग्रहण कर लो, इनसे अपनी जिंदगी बचा लो, इनको लगा लो अपने घर में। अब इस कदर तक सरकार जा रही है, सिस्टम जा रहा है, सरकार छोड़िए, पॉलिटिक्स छोड़िए, सिस्टम जा रहा है। हमारे देश का जो सिस्टम है वो सरकार है, पॉलिटिक्स नहीं है, और ये सिस्टम जो है वो बहुत अनोखे ढंग से काम करता है। सारी योजनाएं बनती है वो बहुत अच्छे वेलफेयर के प्लान के साथ बनती है, इम्प्लीमेंटेशन में खोट होता है। जैसे घर घर औषधीय योजना पहुंच रही है, उसका प्लानिंग बहुत सुंदर है, उसकी आइडिया ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, यूनिक है, वर्ल्ड में आपको किसी देश किसी राज्य में आपको ये सोच नहीं मिली, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने वाले यदि इसमें घास काटे हैं तो वो एक समस्या है। उसका निदान तो फिर प्रशासनिक स्तर पर या उस स्तर पर ही होता है, ठीक है। तो लेकिन अब इसको अडॉप्ट करने के लिए लोग बाग जो मारे मारे फिर रहे थे,
गिरोह छीन चोर चोर करके ला रहे हैं, कहां कहां से ला रहे हैं अपने बीमार लोगों को, सदस्यों को बचाने के लिए, अशोकंता की जड़ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बाजार में मिल जाए झपट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अश्वगंधा अश्वगंधा है ना। तो काल में के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये ऐसी चीज है जो काल में यथा नाम तथा गुण है। लेकिन जब उनके पास पहुंचाया भी जा रहा है तब भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब भी दिमाग का इस्तेमाल ना करे व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में वे परिवर्तन की अपेक्षा भी ना करें या परिवर्तन के लिए अनर्गल प्रलाप भी ना करें। तो मैं तो जो निवेदन करना चाहता हूँ इस उदाहरण से, क्योंकि हम भी लगातार ये वक्ते रहे, डॉक्टर लीना भी और हम लोग भी, कि आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एक नागरिकों के लिए गाइडलाइन आई, तो वो उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर बीमारी कैसे रुकेगी, है ना। जब राज्य सरकार है मजदूरों को कह रही है कि आप रुकिए, आपके लिए सभी कुछ सुविधाएं हैं सब जगह, तो उनमें भगदड़ मचाने वाले तत्व भी थे जिन्होंने उनको कहा तोड़ो भागो नहीं तो तुम मर जाओ। लेकिन इसमें जो सेंसेस काम में लेना है, जो लोग बहुत सारी बात, हमने ये भी देखा कि बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से तो बहुत सारे विचार प्रकट कर देते हैं, लेकिन जब उनको महामारी के दौरान वो लोग आगे नहीं आते डर के मारे, उनको करना नहीं है, सिर्फ बोलना है, प्रलाप करना है, अनर्गल प्रलाप करना है, ये हाय हाय, वो हाय हाय, ये निकम्मे वो निकम्मे, ये वो फलाना वो ढिमका हो, या लेटर लिखो, ज्ञापन दो, नारेबाजी करो। लेकिन किसी ने अपने घर के आसपास के 10 गरीबों को लॉकडाउन के दौरान उनको उनके खाने का ध्यान रखा हो, ऐसे लोग कम मिलेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि हम कुछ भी निरोग भारत का भी सपना देखें, और विश्व गुरु जो हम समझते हैं कि भारत विश्व गुरु पुरातन काल से था, क्योंकि यहाँ की जो कला संस्कृति स्थापत्य कला जो सब कुछ था यहाँ का, वो जाने कब का है, जिसका लोहा दुनिया मान रही है, साइंटिफिक रिसर्च में वो प्रूव हो रहा है, तो हमारे लिए विश्व गुरु का वो मतलब, और वही जो प्रेस्टीज है, वही जो लेवल है, वही जो रिकॉग्निशन है, वही जो रेप्यूट है हमारे साइंस की, एंशियंट साइंस की, आर्किटेक्चर की, उस नॉलेज की, वही दोबारा से एस्टैब्लिश होना, वही विश्व गुरु है। ये मतलब आज हम लोग सोच स्मार्ट सिटी, मतलब शब्द से ही हम लोग अंग्रेजीदा बनना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी, आदर्श शहर जैसा शब्द हमने काम में नहीं लिया, आप सोच देखिए। तो जहां ये सोच ऐसी है वहां पर या अब परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन के लिए ये है कि देश भर में दुनिया भर में लाखों संगठन हैं, संस्थाएं हैं, समूह हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक और बन जाए और वो भी कुछ कर लेगा। लेकिन जो हम लोगों का अनुभव है बहुत कम है आप लोगों के सामने, लीना का है, मेरा है, हम लोगों का बहुत कम अनुभव है आप लोगों के सामने। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक स्थानीय समुदायों में वार्ड स्तर पर, देखिए भारत में पंचायती राज अधिनियम तो ले आए 73rd अमेंडमेंट से कि ग्राम सभाओं को अधिकार दिए, 29 विभागों के निर्णय लेने के अंतिम निर्णय के अधिकार ग्राम सभा को दिया गया, कि किसी को लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया है, गांव की ग्राम सभा को, और 29 विभाग सरकारी विभागों के मामले जिसमें अंतिम निर्णय ग्राम सभा का सर्वोपरि होगा ये दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, वो सारे विभागों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हर चीज गांवों के नाम पर क्यों थोपी जाती है, शहरों में भी तो लोग उल्लंघन करने वाले हैं, उन्हें भी तो आदर्श नागरिक बनने की जरूरत है, उन्हें भी तो इस तरह के नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत है। और हमारे ख्याल, मेरे ख्याल से शहरों के अंदर ज्यादातर लोगों को परिवर्तन लाने के लिए डिसेंट्रलाइज वे में काम करने की जरूरत है। अपने एक वार्ड के अंदर आप एक यूनिक मॉडल, वार्ड के समूह अलग 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 बने और अपने वार्ड के अंदर आदर्श स्थिति क्रिएट करके दिखा दें। जैसे देहरादून में एक ग्रुप है, उन्होंने अपने वार्ड में ऐसा काम करना शुरू किया, आज उनका वार्ड जीरो वेस्ट, आज उनके यहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकल होके उसका डीजल बन रहा है। तो उन वार्ड वाले लोगों ने अपना एक यूनिक मॉडल एस्टेब्लिश कर लिया, अब वो रेप्लिकेट उसकी नकल हो सकती है दूसरे वार्डों में, पूरे देहरादून में, पूरे देश में।
और हमें मुझे जो लगता है कि हमें ऐसे छोटे लेवल पर परिवर्तन वाले उदाहरणों की ज्यादा जरूरत है, छोटे लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर शहरों में, भोपाल के अंदर भी या मध्य प्रदेश के अंदर भी जो लोग भी हैं वो छोटे छोटे परिवर्तन करके बता दें एक अपने अपने सेक्टर के अंदर। अब उसमें जो समस्या जो आती है, मैं बस मेरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, समस्या जहाँ आती है, समस्या ये है कि आप सारी चीज देना चाहते हैं, एक फॉरेस्ट ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर अपना सिल्वीकल्चर का ज्ञान, अपनी फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ज्ञान, इकोलॉजी का ज्ञान सब कुछ रखता है और देश को वन संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था सिल्वीकल्चर जो समझ लेगा तो उसे फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उनकी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आएगा और उस पर हमारे देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन वो व्यक्ति चाह करके भी उसका जो मंत्री है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो अनपढ़ हो या बुद्धिहीन हो या भ्रष्ट हो, वो कहता है कि आपके लोकल सागवान, महुआ, बहेड़ा की जगह कोनोकार्पस लगाओ, सप्तपर्णी लगाओ, तो वो एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके कारण मना नहीं कर सकता। लेकिन हम ऐसे पब्लिक क्या कर सकते हैं, चेंज मेकर हम ये कर सकते हैं कि जो इन चीजों की समझ है हमें, तो यदि हम वो समझ प्राप्त कर लें तो उस समझ के आधार पर फिर हम उन चीजों को अडॉप्ट करना तो शुरू करें। आपके एरिया में से एक्सोटिक स्पीशीज को लगाना बंद कर दें घरों में और रोड किनारे। जो लोग अपने भवनों को दिखाने के लिए पेड़ों को काटना उचित समझते हैं उनको ज्ञान दे दें कि वो अपने पेड़ लगाए, नहीं तो ऑक्सीजन के लिए वो हमारे पेड़ों की ऑक्सीजन खींचेंगे। सिलेंडर लगा लगा करके मारे मारे फिर रहे हैं तो उनको अकल आ जाए। लेकिन छोटे चेंजेस जो है डिसेंट्रलाइज्ड वे में वो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह एग्जाम्पल बढ़ते जाए। तो यही मेरा निवेदन है। एक बार सुनील दुबे ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो सभासद बैठे हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड पंडित हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं। हमें ऐसे ही प्रकांड पंडितों की जरूरत है जिनका जीवन अपने आप में तपस्या है। और क्या वजह है कि ये तपस्वी लोग जो है इस देश की बागडोर ना संभाले। हमें देश की बागडोर संभालने के लिए गांधी परिवार के लोग क्यों चाहिए। हमें जो है इस देश में षड्यंत्रकारी क्यों चाहिए। हमें जो है इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस क्यों चाहिए। राइट, तो मैं दुबे जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने